असल दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक इनवाल हैंगिंग प्लांटर्स पे है। आपको याद होगा कि मैं तकरीबन 2-1 महीने पहले ये वाले प्लांटर लेके आया था, तो उसके बाद ही मैंने इनकी काफ़ी परचेज़ की थी। मैंने काफ़ी सारे परचेज़ किए, मेरे पास बहुत सारे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको ऐसा एक्सपेरिमेंट लगाया था, ये आपके सामने लगाया था मैंने इसको, उतने ही दिन हो गए मैंने वहाँ पे सामने हैंग किया था, लेकिन अब मैंने इनको बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में शिफ्ट कर दिया है। और जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा ना, तो ऊपर से ये हटा दूँगा, तो फिर इस पर डायरेक्ट सनलाइट आएगी, नहीं अबाउट हाफ डे से ज़्यादा सनलाइट आएगी। तो आपको ये दिखाऊँ कि ये देखें, इसने ना आप जाके ये देखा, अभी नई ग्रोथ शुरू कर दी है, तो अभी फ़िलहाल ना ये सही चल रही हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छे नहीं चल रही, सही चल रही हैं। ये देखिए पानी भी सही रह रहा है। अगर मैं कोई एक दिन नहीं भी देता ना, तो फिर भी इनका नहीं खुश्क हो रहा पानी। और ये मैंने बाद में लगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों मैंने बाद में लगाए हैं। आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये वराइटीज़ पर कैसे डिपेंड करता है, कि वराइटीज़ ना कैसे ग्रोथ पर अफेक्ट करती हैं। तो ये देखें, ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट सेम एज के हैं, लेकिन ये देखिए ये कितने छोटे हैं और ये कितना बड़ा है। और ये देखिए ये भी सेम एज के, ये और ये कौन सा है, ये रेड और वाइट का जो मिक्स है वो है, ये ऑरेंज है। तो ये दोनों ज़्यादा ग्रोथ लेते हैं, तो दोनों की सेम हाइट है ये, जबकि ये जो ये है ये पिंक वाला है, तो इसकी देखिए कितनी छोटी हाइट हो गई है। और इस पर बहुत ही ज़्यादा सुंडियों का अटैक हो गया था मेरे उस घर में, तो वहाँ पे सब के सब पे सुंडियों का अटैक हो गया था, लेकिन अब मैंने स्प्रे कर दिया वहाँ। तो मैं इसको यहाँ पे ले आया था, तो यहाँ पे आते ही ये देखेंगे आप गौर करें, तो इसने नया पत्ता निकाला और उसके ऊपर ना अंदर से छोटा सा, हालांकि छोटा सा पौधा, छोटी स्टैनी है, और ये फूल निकालने लग गई है। तो इतनी अग्रेसिव होती है ये वराइटी ना, इतनी अच्छी वराइटी है कि छोटा सा पौधा, हालांकि एक वो 2 इंच का भी नहीं है, और ये फूल निकालने लग गए। और ये देखिए यहाँ से ये नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, ये नई ग्रोथ इसी कप में, इसी में स्टार्ट हुई। आज ये देखिए इसको DAP दी है, ताकि इनकी अच्छे से ग्रोथ बढ़ेगी। देखिए सब कुछ दिया DAP, ये देखिए। और आपको दिखाऊँ, ये मेरा ना एक छोटे से कप में पड़ा रह गया पूरा साल, और इतनी खुशकी में पड़ा रह गया कि इसने अपने सारे पत्ते झाड़ दिए। मेरी कटिंग थी पिछले साल की लगी हुई, लेकिन ये अमेजिंगली ये देखिए ये बच गई है। यहाँ से मैं पत्ते निकाल दी, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको तो ये भी फूट रहा है यहाँ से। तो फिलहाल तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है मेरा। अच्छा, कलर की बात करूँ ना, मुझे ना ब्लैक इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ब्लैक ज़्यादा प्यारा लग रहा है बाकी कलर के नस्बत। पिंक धूप में उड़ जाता है, देख रहे हैं कितना पिका हुआ, ये वहीं से उड़ा हुआ था, मैं लगता था तभी उड़ा हुआ था। तो ये है अपना असल पिंक का कलर, तो ये भी बाहर से उड़ा हुआ है और अंदर से डार्क है। तो पिंक बड़ी जल्दी उड़ता है, येलो नहीं उड़ता, येलो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता येलो को, क्योंकि येलो अगर आप बाहर पेंट कराते हैं ना, तो वो धूप नहीं उड़ा सकते, परंतु नहीं डिम होता वो, ये शायद धूप की वो जो रोशनी होती है वो भी येलो होती है ना, तो शायद यही वजह है या कोई और वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन येलो नहीं उड़ता। ब्लैक भी बहुत ही कम होगा तो होगा, लेकिन यह ब्लैक भी नहीं होगा डिम, लेकिन पिंक मैंने देखा है, पिंक बहुत ही ज़्यादा डिम होता है। तो देखने में शुरू शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में डिम हो जाता है, तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, तो फिर इतना प्यारा नहीं लगेगा। तो लेकिन येलो ठीक है, मुझे ब्लैक ज़्यादा प्यारा लगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कलर्स हैं मेरे पास, तो मुझे इसके ना डिफरेंट प्राइसेस पड़ी, स्पॉट की 165 का भी पड़ा था, 150 का भी पड़ा था, दराज से मैंने ऑर्डर किया था तो 165 का पड़ा था, वो भी कूपन लगा के, यहाँ से मैंने लिया था 150 का पड़ा था, फिर मुझे कौन जगह से मिले जो कि काफ़ी अच्छे रेट में मिल गए थे मुझे, 100 बहुत आप कह सकते हो कि 20 रुपये का उन्होंने एक लगाया था, और साथ मुझे ना फिर स्पॉट गिफ्ट, 2 पॉट गिफ्ट भी कर दिए थे, तो वो मुझे तकरीबन 110 का पड़ गया था एक, तो वो ज़्यादा बेहतर रहा था मेरे लिए ना, पानी बहुत 150। लेकिन ये बहुत प्यारा प्लांटर है, मैं बिलीव में जो हैंगिंग प्लांट है ना वो मैं लगाऊँ, उससे भी ज़्यादा प्यारा लगता है दीवार पर लगा हुआ ना। अभी तो दीवार का पेंट नहीं है ना, अगर पेंट लगा हुआ ना दीवार पर बहुत अच्छा लगता है। और इसके ना हैंग करने वाले ना वो भी और मिलता है, वो जो हैंगर सा होता है वो भी मैं ले आऊँगा, उस पर ज़्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि मैंने देखा कि तार है ना, ये तार बैंड हो जाती है, तो फिर ये थोड़ा सा कार्गो इतना अच्छा नहीं लगता, जब बिल्कुल सीधा होगा ना तो फिर ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये हो गई इसकी प्रोग्रेस, और आपको वो दिखाता हूँ बाकी चीज़ें, वो पड़ी हैं यहाँ से, यहाँ पे पड़े थे। तो ये देखिए, ये है बड़ी झुमका बेल, जिसको आज ही मैंने शिफ्ट किया, ये इस कप में मैंने लगाई थी, तो ये अभी नई ग्रोथ ही देखें, इसने निकाली है अपने घर में, तो ये वाले पत्ते इसके पीले हो गए, लेकिन इसने यहाँ पर नई ग्रोथ नहीं करी, तो मैं इसको शिफ्ट कर दी। इसको मैं ना किसी को गिफ्ट करूँगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना उनमें से किसी को गिफ्ट करूँगा, जो मेरे सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं। ये डबल वाली झुमका है,
और ये जो ये है ये मैंने कटिंग करी थी, आपको याद होगा कि मैंने इसकी वीडियो भी बनाई, तो मैं इसकी कंप्लीट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो इसकी ये दिखनी रूटिंग कितनी अच्छे स्टार्ट हो गई, देख रहे हैं ये वही है बड़ी, क्या नाम है इसकी, ग्रैंड ऑक, सबसे बड़ा जो मोतिया का फूल होता है ना, अब तो मोतिया के पत्ते कभी ऐसे देखे हैं इतने सारे चक्कर में, तो ये वही वाली ग्रैंड ऑक वैरायटी है। अदरवाइज मोतिया के दो तो पत्ते होते हैं लेकिन इसका पूरा बहुत चक्कर भी खिलता है। ये है बड़े दोपहर बूटी, इसकी मैंने ऐसे कटिंग लगा दी थी। और ये देखें ये ना, ये भी वहीं से लाया था, इस पर भी सुंडी का बहुत अटैक हो गया था, ऊपर डाई पैक आ गया था, तो मैं इसको यहाँ ले आया। अब यहाँ आने के बाद देखें ये अगर आपको दिख रहा हो, ये इसने यहाँ से नई ग्रो शुक्र निकालना शुरू कर दिया था, ये कटिंग मार चुकी थी, देखो बस मैंने काटी है, ये मेरी मार चुकी थी। ये मैंने दूसरी लगाई है पिंक के साथ ही ऐसे ट्राई के लिए, तो यहाँ मैंने वो लगा दी क्योंकि यहाँ चिड़ियाँ बहुत आती हैं तो चिड़ियाँ खा जाती हैं। और ये देखें ये मैंने कल लेके आया हूँ, ये मैं बहुत दूर से लाया हूँ, यह पड़ा पिंक वाला मिनिचर, तो ये मैं इसे लाया हूँ क्योंकि मैंने इस साल काफ़ी कटिंग लगानी है इसकी, तो शायद मैं इसे ऐसे और भी लाऊंगा लेकिन बहुत ही दूर से लाया हूँ मैं। और फिलहाल उनके पास फूल नहीं खिला हुआ था, अदरवाइज उनके पास और ही भी थे, फूल नहीं खिला हुआ था, ये एक ही पे फूल खिला हुआ था, तो मैं ये ले आया, ये पिंक वाला है। अदरवाइज इसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई, ये वो भी 600 का एक दे रहा था, तो मैंने उसे थोड़ा डिस्काउंट करवाया, तो ये मैंने देखा एक के पास 4000 का दे रहा है, तो इसका देखिए रेट्स बढ़ गए हैं। उसके पास 3 साल पुराना प्लांट है तो वो 4000 का दे रहे हैं और लेस करके 3000 पे आता है, इवन दो कि वो 1500 का भी नहीं दे रहा, तो हैरत की बात है इनके रेट्स इतने बढ़ गए, क्योंकि ये फूल बहुत प्यारा है ना इसी वजह से। तो ये देखिए ये मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ अपनी कटिंग्स की अपडेट, और ये है मेरे प्लांट का। तो चलो ये सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा और ही भी ये देखिए इस पर भी अटैक हुआ था, जो आपको देख रहे हैं ये वहाँ पे अटैक हुआ था, ये और ये मैं वहीं से लाया हूँ, क्योंकि ना इन पर देखिए बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था, लेकिन अब ये सही हो गया, इनको मैं सही कर लूँगा, इनको मेरी ज़रूरत थी, अदरवाइज ये वहाँ मार भी सकते थे, इसी वजह से मैं इनको ले आया हूँ। यहाँ आने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये फूल निकल रहा है, यहाँ पर ये फूल निकल रहा है, और ये भी निकालेंगे फूल। तो चलें ये चीज़ अच्छा, ये जो ये है ये छोटा क्यों रहेगी आने के दोनों सेम वैरायटी, ये ना मैंने आपको पहले बताया था बिल्ली ने इसको निकाल के फेंक दिया था, तो इसकी रूट एक्सपोज रही थी, ये बच गई, ये बहुत बड़ी बात है, तो भाई तोड़ दिन तक इसकी रूट एक्सपोज रही थी वहाँ पे, वहाँ की नमी ज़्यादा होती है, मिट्टी है नीचे ऊपर नमी ज़्यादा होती है ना, तो फिर ये मरा नहीं था, सावन था ना तो ये मरा नहीं था, दरवाज़ ये एक दिन में खुश हो जाता। तो चलें ये चीज़ अच्छी लगी तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वहाँ याद रखना, अल्लाह हाफिज़।